हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, अबू धाबी ने नया एंट्री रूल का अनाउंसमेंट किया है विद इन द यूएई। मतलब आप दूसरी कोई एमिरेट से अबू धाबी आना चाहते हैं और आप यूएई सिटीजन, रेजिडेंट और विजिटर्स हैं, तो ये रूल आपके लिए है। अबू धाबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर कमिटी ने अनाउंसमेंट किया है कि 20 अगस्त 2021 से ये नया रूल लागू होंगे। तो आप अगर वैक्सीनेटेड है, मतलब आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है और आपने COVID-19 क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है, तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब कुछ छूट मिलेगा। मतलब आप COVID-19 फुल्ली वैक्सीनेटेड है और आप COVID-19 क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है, मतलब इस दोनों में से किसी एक चीज़ अगर आपके पास है और आपका अल हसन स्टेटस ग्रीन शो हो रहा है और उसके साथ अल हसन आइकन ई और स्टार शो हो रहा है, तो आप अबू धाबी एंट्री कर पाएंगे। लेकिन अल हसन आइकन ई और स्टार शो होने के लिए आपको एक PCR टेस्ट भी करना है और आइकन ई और स्टार 7 दिन के लिए शो होंगे अल हसन ऐप में। और जब आप अबू धाबी एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद आपको कोई टेस्ट नहीं करना है। मतलब आप अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड है और आपने COVID-19 क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है, तो अबू धाबी एंट्री करने के बाद आपको कोई टेस्ट नहीं करना है। लेकिन आप अगर अनवैक्सीनेटेड है, मतलब आप अनवैक्सीनेटेड रेसिडेंट, आप अनवैक्सीनेटेड विजिटर्स, तो जब आप दूसरी कोई एमिरेट से अबू धाबी एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने से पहले आपको RT-PCR टेस्ट और DPI टेस्ट, इस दोनों में से किसी एक टेस्ट आपको करना है, उसके बाद ही आप एंट्री कर पाएंगे। अगर आप RT-PCR टेस्ट करके आना चाहते हैं अबू धाबी, तो विद इन द, मतलब अबू धाबी एंट्री करने से पहले विद इन द 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर आपको एक RT-PCR टेस्ट करना है। जब आप अबू धाबी एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद, एंट्री हो जाने के बाद Day 4 और Day 8 में एक RT-PCR टेस्ट करना है। अगर आप DPI टेस्ट करके अबू धाबी आना चाहते हैं, तो अबू धाबी एंट्री से पहले विद इन द 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपको DPI टेस्ट करना है और उसका नेगेटिव रिजल्ट लेके आपको अबू धाबी एंट्री करना है। और अबू धाबी एंट्री करने के बाद Day 3 और Day 7 में आपको RT-PCR टेस्ट करना है। तो ये रूल अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको पता, मतलब आपके ऊपर फाइन आ जाएगा। इसके ऊपर एक आर्टिकल आज का खलीज टाइम पेपर में पब्लिश हुआ है, तो उस न्यूज़ का लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा, वहाँ से आप सारा डिटेल रीड कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।